वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के, बिना ब्रेक वाला वीडियो बोले सबसे हार्ड। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। अयोध्या में आखिरी सुनवाई से पहले अयोध्या में तो सिर्फ चिंगारी उठेगी, आग बाहर लगती है। जैसे जैसे फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है, अयोध्या में श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा है। फैसले से पहले ही अयोध्या में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, धारा 144 लगा दी गई है। लेकिन हम आपको अयोध्या में उस जगह लिए चलते हैं जहां इस वक्त सबसे ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि करीब 40% श्रद्धालु अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर के मॉडल को देखने आ रहे हैं। आखिर राम मंदिर कैसा होगा? अयोध्या के कारसेवक पुरम में रखा ये उस भव्य राम मंदिर का मॉडल है जिसको तैयार करने का सपना विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए संगठनों ने देखा है। बताया जाता है कि ये मॉडल 21 फीट लंबा है, 11 फुट इसकी चौड़ाई है और 9 फुट तक इसकी ऊंचाई है। और ये मॉडल बिल्कुल वैसे का वैसा बनाया गया है जैसा राम मंदिर बनाने की तैयारी विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठन कर रहे हैं। खासतौर पर तब से जब से ये संकेत मिलने लगे हैं कि कोर्ट अब अयोध्या के मामले को लेकर बहुत जल्दी कोई आखिरी फैसला दे सकती है, यहां इस मॉडल को देखने आने वालों की तादाद अचानक से बढ़ गई है। यहां बैठने वाले लोग बताते हैं कि पहले दिन में 90, 100, 150, 200 तक लोग आया करते थे, लेकिन जब से ये चर्चाएं तेज हुई हैं कि अब किसी भी दिन अयोध्या मामले का विवाद का हल किया जा हो सकता है अदालत के जरिए, उसके बाद से यहां आने वालों की तादाद बढ़ गई है। बहुत सारे लोग इस समय भी यहां पर हैं जो कि आज इस मॉडल को देखने के लिए आए हुए हैं। आप कहां से आए हैं? हम मधुबनी जिला राजनगर से आए हैं। किस लिए आए? घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए कि राम मंदिर कब बनेगा, यही सब देखने के लिए आए हैं। तो ये यहाँ क्यों आए देखने? वहाँ तो रामलला तो वहाँ दूसरी जगह पर है। मूर्ति कैसा बनेगा वही देखने के लिए आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 17 नवंबर तक आएगा, लेकिन आज तक अयोध्या के कार सेवक पुरम पहुंचा। अयोध्या में ये वो जगह है जहां बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद राम नाम की ईंट लाई गई थी, इस उम्मीद में कि इन ईंटों से राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। 1992 में जब राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा, ये ईंटें देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों गांव से घर घर से इकट्ठा की गई थी और ईंटों पर राम नाम लिखा गया था। खासतौर पर देखिए ये ईंटें जिनमें कहीं हिंदी में लिखा है श्री राम, कहीं तेलुगु में लिखा है जय श्री राम, कहीं कन्नड़ में लिखा है जय श्री राम, तो हर भाषा में राम का नाम लिखी ये ईंटें देश भर से इकट्ठा करके यहाँ लाई गई थी। इन ईंटों के लिए तय ये किया गया था कि जो राम मंदिर का निर्माण होगा उसकी नींव में ये देश भर से लाई गई ईंटें लगाई जाएंगी ताकि पूरे देश का योगदान भगवान राम के भव्य मंदिर में माना जा सके। अयोध्या में राम नाम के पत्थर और शिलाएं भी तैयार हैं। हालांकि इन पत्थरों पर न जाने कितने मौसम गुजर गए हैं, लेकिन राम भक्तों को अब उम्मीद है कि फैसला राम मंदिर के पक्ष में आएगा और इन पत्थरों को चमकाकर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अयोध्या में कार सेवक पुरम के नजदीक मानव भवन में ये कार्यशाला है जहां पर प्रस्तावित राम मंदिर के लिए पत्थरों को तराशने का काम होता है। और आज से नहीं हो रहा, वर्षों से हो रहा है, लगातार हो रहा है, सतत हो रहा है, बिना रुके बिना थके हो रहा है, क्योंकि जो लोग ये करवा रहे हैं उनका मानना यह है कि राम मंदिर तो बनना तय है। यहां काम करने वाले लोग ये कहते हैं कि लगभग 70% काम राम मंदिर का पूरा हो चुका है। अगर अदालत से इजाजत मिल जाती है तो इन्हीं पत्थरों के जरिए जिन पर नक्काशी का काम पूरा करके तराश करके इनको यहां रखा गया है, कम से कम जो प्रथम तल है मंदिर का उसे बड़ी आसानी से तैयार किया जा सकता है, खड़ा किया जा सकता है। लेकिन अयोध्या के लोग कहते हैं कि अब यहाँ हिंदू मुसलमानों के दिलों में कोई मनमुटाव नहीं है। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, अब लोग उसे भूल चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा उसे स्वीकार करने को तैयार है। रोहित सरदाना, अयोध्या।